सो गाइज, जैसे कि होली सेल चल रही है purple.com पे, आप देख सकते हो अप टू 50% ऑफ है। एंड कुछ अमेजिंग ऑफर्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, जैसे कि बाय टू अगर आप बायोटिक पे करोगे तो फ्लैट 20% है, फिर बाय थ्री पे फ्लैट 25% है, देन कलर बार पे है, देन NY Bay पे है कि बाय 10 एंड गेट फ्लैट 50, उसके बाद गुड वाइव्स पे भी है बाय 10 गेट फ्लैट 50। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे मिल सकता है फ्लैट 50। देन यहाँ पे फेसेस कैनेडा पे भी है अप टू 25% ऑफ। एंड स्टेक वर्क ही बहुत अमेजिंग है इस पे कि आप 8 प्रोडक्ट्स लोगे उस पे आपको 50% ऑफ है सीधे। सो ये तीन ब्रांड्स पे तो आपको सीधे फ्लैट मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गुड वाइब्स के मैंने यहाँ पे भी 10 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 लास्ट लिप बाम अप्लाई किया है। तो मेरा टोटल बना है 1670 का, बट मुझे पे करने पड़ेंगे ओनली 840 रुपीज़। और मैं अप्लाई कूपन पे जाऊंगी तो देखूंगी मुझे एक ये कूपन भी मिल जाएगा जिसपे मुझे 800 की शॉपिंग पे अबव में एक फ्री नेल पेंट भी मिल रही है। तो जब मैंने उसे अप्लाई कर लिया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे टॉप पे आप देख सकते हो ये मुझे एक NY Bay की नेल पेंट फ्री मिली है। तो ये बहुत अमेजिंग, आपको फ्लैट 50 मिल जाएगा गुड वाइज पे, स्टेक वर्की पे। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो एंड शॉपिंग कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी मैं आपसे शेयर करूंगी पार्ट टू अपने पर्पल हॉल का। तो जैसे कि पार्ट वन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, और पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, उससे मैंने गुड वाइब्स के बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं एंड कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास ये कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स, एंड ये मोस्टली स्टेक वर्की ब्रांड के हैं इसमें प्रोडक्ट्स, एंड NY Bay के भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी हॉल। और purple.com पे चल रही है सेल, होली सेल है, तो आप होली सेल को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ पे प्रोडक्ट्स अभी मिल रहे हैं। एंड लिंक आपको ऐप का एंड जो सेल चल रही है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रोडक्ट्स का भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले आया है ये मेरे हाथ में NY Bay का द बैलेंस ब्रॉड्स pH बैलेंस स्किन न्यूट्रलाइजर। एंड नेक्स्ट है ये NY Bay का ब्रॉडवे रेडी मेकअप फिक्सर। तो मेकअप फिक्सर है ये, एंड कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है ये कार्डबोर्ड की, और ये स्मॉल सी क्यूट सी बॉटल है। तो ये 199 रुपीज़ का है और 2 ईयर्स की है इसकी शेल्फ लाइफ। ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है NY Bay का बैलेंसिंग ब्रॉड pH स्किन न्यूट्रलाइजर है, सेम पैकेजिंग है दोनों की। एंड ये इसका भी प्राइस 199 रुपीज़ है एंड 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। तो ये है प्रोडक्ट, और इनका अगर आप रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। उसके बाद है ये कुछ बैड एस लिप क्रियॉन स्टेक वर्की ब्रांड के। तो आज है मेरे पास कुछ लिप क्रियॉन स्टेक वर्की के एंड लिक्विड लिपस्टिक स्टेक वर्की की बैड एस। तो बैड एस मैंने आपसे काजल भी शेयर किया था, जो कि मुझे काजल बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये है मेरे पास अभी 5 शेड्स। तो इसका रिव्यू बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर दूंगी आप सबको। तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ। ये से कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है, सिल्वर कलर में आते हैं ये लिप क्रियॉन्स। तो कुछ इस टाइप के हैं, यहाँ पे बैडस लिखा हुआ है स्टेक वर्की, और आप देख सकते हो उस पर पतली सी प्लास्टिक की लेयर लगी होती है जो कि हमारे प्रोडक्ट को मतलब बिल्कुल भी डैमेज नहीं करने देता है। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे शेड नेम लिखा हुआ है समवन गॉट सम एंड इसका नंबर है 9। तो ये आई थिंक न्यूड शेड है, तो ये ब्यूटीफुल सा शेड है, न्यूड मॉफ पिंक सा शेड। सो इनका फुल रिव्यू मैं अपने चैनल पे दूंगी एंड बिल्कुल ट्रू होगा वो रिव्यू कि ये सही में कैसी हैं, अच्छी हैं, नहीं है, क्या इसमें प्रोज है, क्या कॉन्स हैं। ओके, सो ये है 3 हाइलाइटर्स मेरे पास एंड ये है स्टेक वर्की ब्रांड के हाइलाइटर्स। तो ये जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लिक्विड हाइलाइटर्स हैं जो कि मैं बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी एंड फाइनली मैंने ये ले लिए। तो ये जो है ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में आते हैं इस टाइप की, एंड ये है बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल पिंकी सा शेड, और इसको आप अपने बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ इस टाइप का है, पंप फॉर्म में आता है ये, एंड इसमें 3 शेड आपको मिल जाएंगे। पिंक डीवा इसका नेम है, ये 02 एंड ये गोल्डन कलर में है। तो इनकी पैकेजिंग सबसे ज़्यादा क्लासी लगी मुझे। नेक्स्ट है ये ब्रॉन्जर सा शेड है, इसको आप ब्रॉन्जिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इस टाइप का है। नेक्स्ट है मेरे पास हिट दैट बेस मेकअप बेस, ये स्टेक वर्की का है बेस पे अप्लाई करने के लिए, एंड ये भी कुछ उसी टाइप की पैकेजिंग में आता है। एंड सबकी जो है 20 ml क्वांटिटी थी उन हाइलाइटर्स की भी, एंड इसकी भी 20 ml है। तो ये कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आता है ये,
एंड ये बेस के लिए है, ये आपको कोई कलर नहीं देगा फेस पे, एज यू कैन सी ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो ये बेस पे अप्लाई कर सकते हो आप इसको। एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दिया है इसने मेरे हैंड्स को, अभी बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। सो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लगा और इसको मैं ज़रूर ट्राई दूंगी एंड का रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ ट्रांसल्यूशन पाउडर्स एंड ये है स्टेक वर्की के। तो ये जितने भी पाउडर्स हैं ट्रांसल्यूशन, इन सबका अलग अलग कलर है, ग्रीन में है, पिंक में है, बेज में है, डार्क ब्राउन में है, सबसे लाइटर शेड है मीडियम, मतलब एक स्किन टोन के लिए भी है इसमें। नेक्स्ट है ये NY Bay की लिक्विड लिपस्टिक्स। तो मेरे पास है अभी 5 शेड्स NY Bay के एंड इनका जो कलर है वो इसके बॉटम पे यहाँ पे सबके नेम्स लिखे हुए हैं। इन लिपस्टिक्स में आपको इतने सारे शेड्स मिल जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आपको YouTube पे ज़रूर रिव्यू देख लेना चाहिए इन लिपस्टिक्स का कि आपको कौन सा शेड अच्छा लग रहा है, तभी आप ले पाओगे, वरना आप इतने सारे शेड्स देख के ज़रूर कन्फ्यूज जाओगे कि लूँ तो लूँ कौन सा शेड। तो ये 5 शेड्स मैं आपसे इनका रिव्यू शेयर करूँगी, तो अगर आप तब इंटरेस्टेड हो जो भी लेने में आप ले सकते हो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरे पास मैरून में है शेड, न्यूड में है, पिंक में है, रेड में है, तो ये सारे शेड्स हैं। सो इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं लिपस्टिक्स और मैं एक आपको दिखा देती हूँ। ये है ग्लास, ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में क्लियर बॉटल है बिल्कुल एंड बस NY Bay यहाँ पे लिखा है। इसका जो शेड है वो आपको बैक साइड पे भी मिल जाएगा। ये शेड है लुइस LV एंड 34 नंबर है। ये मरून और रेड के टोन में आ जाता है। सो ये मरून रेडिश सा शेड है। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा एंड एवरी स्किन टोन पे ये कलर जो है बिल्कुल जाएगा। ओके सो नेक्स्ट है ये स्टेक वो की के कलर करेक्टर स्टिक्स। तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे शेड्स दिख रहे होंगे, लाइट से लाइट एंड डार्क से डार्क। तो आपको स्टेक ओकी और NY ब्रांड में जो है आपको हर एक शेड की गर्ल के लिए कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लैक में इतना अच्छा ब्रांड है उसमें भी नहीं मिलते हैं आप हर एक गर्ल के लिए शेड, क्योंकि सबसे लाइटर जो शेड होता है और जब जो सबसे डार्कर शेड होता है वो भी लाइट ही रहते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक गर्ल के लिए आपको शेड मिल जाएंगे, ये डार्क से डार्क एंड लाइट से लाइट। तो इसको आप एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर यूज़ करूँगी तो मैं इस डार्क वाले को यूज़ करूँगी कॉन्टोरिंग के लिए। सबसे लाइट वाला जो होगा वो मुझ पर ऑब्वियसली बात है सूट नहीं करेगा, मेरी स्किन व्हाइटिश है, तो मेरे मैं अपने अंडर आइज़ को कवर करने के लिए सबसे लाइटर शेड को यूज़ कर सकती हूँ। इनका प्राइस 425 रुपीज़ है पर स्टिक का, बट बिल्कुल वर्थ इट है ये, क्योंकि मैंने इसको ट्राई दिया है कंसीलर को और बहुत अच्छी तरीके से ये मेरा जो डार्क सर्कल्स हैं या पिंपल के मार्क्स है उसको कवर कर देता है। ये है डार्क शेड जिसको मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है एंड ये 7 नंबर का शेड है। तो आप देखते हो इस टाइप की पैकेजिंग है, आप स्टेक वो की लिखा है, प्लास्टिक की कैप है और ये है। तो ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाते हैं कंसीलर एंड क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। नीचे आपको मिलता है एक स्पंज जो कि आपको हेल्प करेगा ब्लेंड करने में, बट ये जो है ये आपको ब्लेंड करने में तब हेल्प करेगा जब आप इसको अपने पिंपल मार्क पे अप्लाई करोगे, तब आपको ब्लेंड करने में बहुत ईजी रहेगा। या आपने अपने अंडर आइज में रखा है किया है तब आपको ब्लेंड करना, ये आपके पूरे फेस के लिए नहीं है ऑब्वियसली बात है, एक कंसीलर करेक्टर है, तो ये जब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी तो उसको भी ये बहुत अच्छी तरीके से कर देगा। बट अगर मैं इसको अपने पूरे फेस पे चाहूँगी तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत स्मॉल है तो नहीं कर पाएगा ये। सो ये है करेक्टर कंसीलर फाउंडेशन स्टिक, कुछ भी आ सकते हो आप इसको, कलर पे डिपेंड करता है कि आपके पास कलर कौन सा है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेक वर्की की बैडेस्ट लिक्विड लिपस्टिक्स। तो ये जो है मेरे पास 5 शेड्स हैं और सबका आपको नंबर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, इफ़ यू कैन सी कितने ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं ये, और इसमें 5 शेड्स हैं, पिंक एंड ऑरेंज में है, कुछ इस टाइप के कलर्स हैं। तो आपको इनमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, मैंने ये 5 कलर चूज़ किए थे एंड मैं आपको ये कलर शेड दिखाती हूँ। ये है 4 सरप्राइज शावर्स एंड ये ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, देन आपको ये जो लिपस्टिक है कुछ इस टाइप से रिसीव होती है एंड यहाँ पे आपको जो है नेम दिख जाएगा जो भी लिपस्टिक का होगा वो। और पैकेजिंग मैंने आज तक किसी भी लिपस्टिक की ऐसी नहीं देखी है कि नीचे से ऐसे पतली फिर ऐसे और बीच में से इस टाइप की, बहुत ही स्लीक सी पैकेजिंग है इसकी। एंड ये इसका जो ब्रश है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसकी स्टिक, और ये जो कलर है ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है। ये एवरीडे के लिए नहीं है बट आप इनको बिल्कुल ट्राई दे सकते हो,
फॉर पार्टी वेयर एंड ऑल, इन सब में ज़रूर अच्छे लगेंगे ये वाले कलर्स। नेक्स्ट है ये दो मेरे पास प्रोडक्ट, ये है एक स्टे कुकी का लस्ट डस्ट फेस एंड बॉडी ग्लिटर एंड नेक्स्ट है ये लस्ट एट एवरी साइट आई प्राइमर। तो ये है आईज़ के लिए प्राइमर और आई थिंक मैं तो इसको एज अ फेस प्राइमर भी यूज़ कर लूँगी क्योंकि प्राइमर तो प्राइमर है एंड स्मूथ करने में ही हेल्प करेगा फेस को। तो मैं मोस्टली अपना प्राइमर यहीं दो जगह पर यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी पोर्स की प्रॉब्लम है मुझे, बाकी ऑल ओवर ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं एंड ऐसे यहाँ पे लिड दिया हुआ है, सो आप देख सकते हो ये जेली फॉर्म में है जिसकी मोस्टली प्राइमर्स ऐसे ही होते हैं जो कि बिल्कुल जो हमारा पोर्स होते हैं उसको ब्लर कर देता है और फिल इन हो जाता है बिल्कुल। तो ये है प्राइमर और इसका प्राइस 215 रुपीज़ है। नेक्स्ट है ये जो बॉडी डस्ट है वो कुछ टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड यहाँ से ऐसे ओपन होगा और ये लिक्विडी में है। तो जो बॉडी डस्ट है ये ऐसे लिक्विडी फॉर्म में, मैं सोची थी ये डस्ट होगा बट ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इसको अपने बॉडी फेस एज अ हाइलाइटर भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। गोल्डन कलर है ये एंड सी मेरे हाथों पर भी लग गए, थोड़े थोड़े शाइन कर रहे हैं मेरे हाथ। तो इसका प्राइस है 250 रुपीज़। ओके, सो सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो अब इस हॉल में बचा है वो है ये मोडा का वाटरप्रूफ मस्कारा एंड कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। इस मस्कारा को मैंने ट्राई किया था अपनी छोटी सी बहन पे, तो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत लॉन्ग लग रहे थे। मैंने अभी तक अपने ऊपर ट्राई नहीं किया है बट मैं ज़रूर इसे जल्दी ही ट्राई दूंगी। यह ब्लू कलर की पैकिंग। सो ये था लास्ट प्रोडक्ट एंड ये थे सारे प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स, तो इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।